हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और इस सीरीज में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के एमसीक्यू जो है वो 15 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस वीडियो नंबर 41 में दिए गए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखना है। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इनमें से। नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसी डिवाइस होती है जिससे डेटा इरेज नहीं किया जा सकता, मतलब हटाया नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी डिवाइसेस है इनमें से, वो पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है या कंपैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है या ये सभी। इसमें ये बतलाना है कि नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को इरेज नहीं किया जाता, मतलब ये है कि जैसे लाइट चली जाती है तो वहाँ से डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं होता। ऐसी कौन सी डिवाइसेस है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो टर्म होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि डेटा का इरेज न होना, और वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा का इरेज होना। ओके, तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो नॉन वोलेटाइल है, वो पेन ड्राइव है या फिर फ्लॉपी डिस्क है या फिर हार्ड डिस्क है या उपरोक्त सभी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो नॉन वोलेटाइल है ऐसी मेमोरी है जो सेकेंडरी डिवाइसेस है, जितने भी जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कंपैक्ट डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें से डेटा लाइट जाने पर इरेज नहीं होता। ओके, जबकि मेन मेमोरी रैम तथा रोम में डेटा लाइट जाने पर इरेज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क एंड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस है इनमें से क्या, मेमोरी कार्ड, सीडी या डीवीडी, हार्ड डिस्क या उपरोक्त सभी। स्टोरेज डिवाइसेस बतलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी कार्ड भी होता है, सीडी डीवीडी भी होती है और हार्ड डिस्क भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर आपके कार्य जैसे डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग तथा स्प्रेडशीट बनाने में काम करता है, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल या वर्ड प्रोसेसिंग जिस दस्तावेज बोलते हैं, टाइपिंग है ना, तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंटेशन या वर्डप्रेस टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऑप्शन ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा वॉइस आ जाएगा, ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारा एंटीवायरस आ जाएंगे, ओके, तथा डीप रिकमेंडेशन आ जाएंगे जो कि सिस्टम की प्रोटेक्शन में जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट तथा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट तथा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं? बदलाना है आपको। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट तथा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस जिस प्रकार से था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चंस है, आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को एक्सेस करने की मेथड क्या है? ना डायरेक्ट एक्सेस है, ओके, या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है, या इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस है, या उपरोक्त सभी। डायरेक्ट एक्सेस, डेटा को एक्सेस करने की, मतलब हम डेटा प्राप्त करते हैं उसकी मेथड क्या है? वो सीडी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है। तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, या इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, ये जो डेटा एक्सेस करने की सभी मेथड है, डायरेक्ट एक्सेस होता है और सिक्वेंशियल एक्सेस भी होता है, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DASD का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ड्राइव, या ए और बी, या उपरोक्त सभी? DASD, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, या डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ड्राइव, या ए और बी, दोनों? DASD, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, है ना, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी होता है और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एक्सेस की मेथड में डेटा को किस क्रम में स्टोर किया जाता है, या उसी क्रम में उसे प्राप्त किया जा सकता है? डेटा एक्सेस मेथड में डेटा को जिस क्रम में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी क्रम में क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, या सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं, या इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं? उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जिस क्रम में हम डेटा को स्टोर करते हैं उसी क्रम में डेटा को प्राप्त करते हैं, उसका आंसर नहीं, ये गलत है, सिक्वेंशियल एक्सेस, मतलब जिस क्रम में आपने डेटा को स्टोर किया उसी क्रम में आपने डेटा को प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस हार्ड डिस्क का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें आप डेटा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BDAM का फुल फॉर्म क्या है? ओके, बेसिक डेटा एक्सेस मेथड, या बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड है, या बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, या बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक है? BDAM का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ओके, ऑप्शन बी, बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड, बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ओके, बेसिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड, ओके, BDAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है, इनमें से क्या?
डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण इनमें से क्या हार्ड डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है, या सीडी डीवीडी रोम है, या उपरोक्त सभी? डायरेक्ट एक्सेस आंसर हो जाएगा उसका, उपरोक्त सभी। ये सभी जो एक्सेस डिवाइसेस है वो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस है, चाहे हार्ड डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क हो, सीडी या डीवीडी। ओके, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस की डेटा एक्सेस करने की मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस प्रकार की होती है? सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब जिस क्रम में डेटा को स्टोर किया गया उसी क्रम में डेटा को क्या किया, प्राप्त किया गया, उसे क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल एक्सेस। तो वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव होती है, टेप ड्राइव होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है टेप ड्राइव, है ना, टेप ड्राइव। टेप ड्राइव कैसे होती है, यहाँ पे रील होती है, ओके, ये घूमेगी, जिस क्रम में इसे डेटा को स्टोर किया उसी क्रम में क्या हो गया, उस डेटा को प्राप्त किया। ओके, सिक्वेंशियल एक्सेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस की डेटा एक्सेस करने की मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस प्रकार की होती है? वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्सेस टाइम को सामान्यतः मापने की इकाई है नैनो सेकंड या मिली सेकंड, डीपीआई या मेगाहर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर एक्सेस को सामान्यतः मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो सेकंड। ठीक, ओके, नैनो सेकंड है, मिली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के रीड एंड राइट हेड के द्वारा डिस्क पर डेटा के एक टुकड़े के भौतिक स्थान को खोजने में लगने वाला समय। हार्ड डिस्क ड्राइव के रीड एंड राइट हेड के द्वारा डिस्क पर डेटा के एक टुकड़े के भौतिक स्थान को खोजने में लगने वाला समय। हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, ये यहाँ पे रीड एंड राइट हेड होते हैं, ये घूमती जाती है प्लॉटर, तथा यहाँ पे रीड एंड राइट क्या करता है, हेड उसे रीड करता है, ये ऐसे प्लॉटर ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। अब ये पूछा है, रीड एंड राइट हेड के डिस्क पर डेटा के एक टुकड़े के भौतिक स्थान को खोजने, मतलब ये जब घूमेगा तो नए नए प्लेसेस आते रहेंगे इसमें, तो उस भौतिक स्थान को खोजने में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, सिक टाइम, लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम, या क्लॉक टाइम? आंसर हो जाएगा सिक टाइम। भौतिक स्थान को खोजने में लगा समय जो होता है वो हार्ड डिस्क के एक टुकड़े के भौतिक स्थान को खोजने में लगने वाला समय क्या हो जाता है, सिक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक टाइम तथा लेटेंसी टाइम का योग क्या कहलाता है, वो डिस्क एड्रेस कहलाता है, या फिर एक्सेस टाइम कहलाता है, या फिर सीपीयू कैश कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। सिक टाइम तथा लेटेंसी टाइम का योग क्या कहलाता है, डिस्क एड्रेसेस, एक्सेस टाइम, सीपीयू कैश? सिक टाइम तथा लेटेंसी टाइम का योग क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा उसका एक्सेस टाइम। सीक टाइम तथा लेटेंसी टाइम का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचेस्टर डिस्क का प्रकार है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी या डीवीडी राइटर? वेंचेस्टर डिस्क का एग्जांपल या उदाहरण या प्रकार है, आंसर इसका हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचेस्टर डिस्क को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर है उसका आईबीएम 1973 द्वारा वेंचेस्टर डिस्क को निर्मित किया गया। ओके, थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो सीरीज आपको चाहिए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।